हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टैक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 5 में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको वहां पे चले जाना है जहाँ भी आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। चलिए मैं यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग्स में चली जाती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले नॉर्मल वाला स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, जो कि वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करने से होता है। चलिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया एंड देन आपको यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो डाउनलोड जैसा दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पर क्लिक करते जाना है। जहाँ तक भी आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड में लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से डिलीट, तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 5 में लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं।